विंसेंट वैन गॉ। आई एम श्योर आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, जो आज दुनिया के महान आर्टिस्ट की लिस्ट में से एक है। बट अनफॉर्चुनेटली विंसेंट जब तक जिंदा रहे उन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया, ना उन्होंने कभी सोचा होगा कि एक दिन वो दुनिया के महान आर्टिस्ट बनेंगे। अपने मेंटल इलनेस के स्ट्रगल्स के बावजूद विंसेंट वैन गॉ ने काफ़ी मास्टरपीस प्रोड्यूस किए। आज बहुत लोग विंसेंट वैन गॉ की पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं, पर उनकी पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में शायद ही आपको पता होगा। विंसेंट के फादर थियोडोरस वैन गॉ चर्च में एक प्रीचर थे। उनकी मदर एना वैन गॉ एक एमेच्योर आर्टिस्ट थी। विंसेंट के पेरेंट्स का उनसे पहले एक बेबी और हुआ था जो पैदा होते ही मर गया। उसका नाम विंसेंट विलहेम वैन गॉ था। एक साल बाद विंसेंट पैदा हुए, जिनका नाम उनके भाई के नाम पर रखा गया। पर विंसेंट की माँ अपने पहले बच्चे के लॉस से ना निकलने के कारण डिप्रेशन से जूझती रही, जिस वजह से उन्होंने अपने दूसरे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यंग विंसेंट बचपन से ही अकेले रहता था। उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं था। उनके घर के सामने ब्यूटीफुल फ्लावर्स का एक फील्ड था जिसे विंसेंट देखते रहते। वो हर छोटी चीज़ नोटिस करते थे और अपनी स्केच बुक में ड्रॉ करते। विंसेंट का स्कूल फिनिश होने के बाद उनके अंकल ने उन्हें पहली जॉब दिलवाने में मदद की। उन्होंने अपनी आर्ट गैलरी जो हेग में थी विंसेंट को काम पर रख लिया। यहीं से विंसेंट ने आर्ट के बारे में जानना शुरू किया। ऑल ओवर यूरोप अपने क्लाइंट्स को पेंटिंग्स बेचने के लिए विंसेंट ने फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश भी सीखी। कुछ टाइम आर्ट गैलरी में काम करके विंसेंट बोर हो गए। थोड़े समय बाद वो इंग्लैंड चले गए, जहां एक बोर्डिंग स्कूल में टीचर बन गए। विंसेंट वहां मैथ्स पढ़ाते थे, जो उन्होंने थोड़े टाइम कंटिन्यू किया, पर इसे भी वो ज़्यादा टाइम नहीं कर पाए और वापस अपने होम टाउन हॉलैंड आ गए। उस वक्त विंसेंट 20 साल के थे। विंसेंट हर दिन बाइबल पढ़ते। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने फादर की तरह चर्च में एक प्रीचर बनेंगे, जिससे गॉड की सर्विस और लोगों की हेल्प कर सकेंगे। पर कुछ समय बाद उन्होंने ये भी छोड़ दिया। विंसेंट काफ़ी जॉब्स ट्राई कर चुके थे, पर किसी में भी उन्हें खुशी नहीं मिलती थी। स्टिल नो आइडिया क्या करना है ज़िंदगी में, स्टिल लुकिंग फॉर समथिंग। वो अक्सर खुद से पूछते, हाउ कैन यू लुक फॉर समथिंग व्हेन यू डोंट नो व्हाट इट इज़। वो सोचते रहे और सोचते रहे। एंड देन इट केम टू हिम, पेंटिंग। वो काफ़ी कुछ देख चुके थे और ये सब दुनिया को अपनी पेंटिंग्स के थ्रू दिखाना चाहते थे। विंसेंट ने भाई थियो, जो उनसे 3 साल छोटा था, उसे लेटर लिखा और अपने डिसीजन के बारे में बताया। थियो उसी सेम गैलरी में काम करता था जिसमें विंसेंट ने किया था। थियो जानता था विंसेंट बहुत टैलेंटेड है, इसलिए थियो ने विंसेंट को उसका ड्रीम फॉलो करने के लिए एनकरेज किया और फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहा। विंसेंट इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ग्रेटफुल थे। कभी कभी खाना ना खाकर उन पैसों को पेंट और कैनवस खरीदने के लिए यूज़ करते। उस वक्त लेड पेंट ब्रश कितना डेंजरस होता है ये कोई नहीं जानता था, इसलिए विंसेंट को भी नहीं पता था। वो ब्रश को अपनी टंग से गीला करते थे, जिस वजह से उन्हें सीरियस हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए। इवन दो विंसेंट वो कर रहे थे जो उन्हें अच्छा लगता था, बट कभी कभी वो बहुत लोनली फील करते, जिस वजह से उनका डिप्रेशन और सेल्फ डाउट बढ़ता गया। विंसेंट ने हेग में अपनी फर्स्ट ऑयल पेंटिंग कंप्लीट की थी और थियो को भेजी। उस दौरान विंसेंट एक प्रोस्टिट्यूट से मिले जो सिफिलिस से जूझ रही थी। उसकी 1 या 2 साल की बच्ची भी थी एंड वो प्रेग्नेंट होने की वजह से काम पर नहीं जा पा रही थी। विंसेंट को उस व्यूमेन से प्यार हो गया और वो उसके साथ रहने लगे। उन्होंने थियो को लेटर लिखा और सब कुछ बताया कि वो उस व्यूमेन के साथ खुश हैं और उसकी देखभाल करना चाहते हैं। थियो राज़ी हो गया और उसने विंसेंट को मंथली देने वाले पैसे बढ़ा दिए, जिससे विंसेंट उस लेडी एंड उसकी बच्ची की हेल्प कर सके।
साथ ही साथ वो लेडी विंसेंट की पेंटिंग्स के लिए एज अ सब्जेक्ट मॉडलिंग भी करने लगी, क्योंकि उस वक्त मॉडल्स बहुत एक्सपेंसिव होती थी। बट विंसेंट की खुशी ज़्यादा दिन ना टिकी। अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी सिफिलिस की बीमारी हो गई और पेन इतना अनबियरेबल था कि विंसेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। विंसेंट मेंटल इश्यूज से वैसे ही जूझ रहे थे और इस नई बीमारी ने मैडनेस क्रिएट करना शुरू कर दिया। जब ये सब थियो को पता चला तो उन्होंने विंसेंट को धमकी दी, अगर उसने अपनी रिलेशनशिप एंड नहीं की तो वो उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर देगा। थियो जानता था विंसेंट का दिल बहुत बड़ा है और उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, सो फाइनली विंसेंट ने हेक छोड़ दिया। 1885 में जब विंसेंट 33 साल के थे, द पटेटो ईटर्स नाम की पेंटिंग क्रिएट की, जो उनके मास्टर पीसेस में से एक है, क्योंकि ये पेंटिंग फार्म वर्कर्स के इमोशंस बहुत अच्छे से शो करती है। विंसेंट ने ये पेंटिंग थियो को भेज दी और सोचा होपफुली थियो इसे बेच देगा, क्योंकि उस वक्त चलने वाले स्टाइल के अकॉर्डिंग ये पेंटिंग एकदम परफेक्ट थी। बट ये स्टाइल पेरिस में फेमस नहीं था जहाँ थियो रहता था, इसलिए वो पेंटिंग नहीं बेच पाया। पेरिस में दूसरा स्टाइल चलता था जिसके बारे में थियो ने विंसेंट को बताया था। कुछ टाइम बाद जब विंसेंट थियो से मिलने पेरिस आए, तब थियो ने वो पेंटिंग्स एंड स्टाइल विंसेंट को दिखाया जिनकी बातें वो अपने लेटर्स में करते थे। विंसेंट को ये स्टाइल काफ़ी पसंद आया। थियो ने विंसेंट को काफ़ी पेंटर्स से इंट्रोड्यूस भी कराया। उस वक्त मॉडल्स हायर करना एक्सपेंसिव था, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए विंसेंट मिरर में देखकर अपनी पोर्ट्रेट्स बनाते थे, इसलिए आज उनकी काफ़ी सेल्फ पोर्ट्रेट्स अवेलेबल हैं। ज़्यादातर आर्टिस्ट जब वेदर अच्छा होता था तब पेंट करते थे, उनके लिए परफेक्ट लाइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती थी। उन्हें मार्केट की भी अच्छी समझ थी, इसलिए वो सब अपनी पेंटिंग्स बेचकर इनफ पैसे कमा लेते, पार्टीज़ करते और अपनी नेक्स्ट इंस्पिरेशन स्ट्राइक करने का वेट करते। लेकिन विंसेंट वैन गॉ इसके जस्ट ऑपोजिट थे। उनका वर्क एथिक बहुत स्ट्रॉन्ग था। विंसेंट अपने क्राफ्ट में परफेक्शन लाने के लिए हर दिन पेंट करते। ही वंस रोट, आई फील सच अ क्रिएटिव फोर्स इन मी। आई एम कन्विंस्ड दैट देयर विल बी अ टाइम व्हेन आई विल मेक समथिंग गुड एवरी डे ऑन अ रेगुलर बेसिस। आई एम डूइंग माई वेरी बेस्ट टू मेक एवरी एफर्ट बिकॉज आई एम लॉन्गिंग सो मच टू मेक ब्यूटिफुल थिंग्स। बट ब्यूटिफुल थिंग्स मीन पेनस्टेकिंग वर्क, डिसअपॉइंटमेंट एंड परसिवियरेंस। विंसेंट के आर्टिस्ट फ्रेंड्स में से ओनली आर्टिस्ट जो उनके इस डिटर्मिनेशन से इंस्पायर हुआ वो था पॉल गॉगुइन। उसने विंसेंट के साथ टाइम बिताना शुरू किया और उसे ग्रीन लिकर, जिसे एब्सिंथ कहते हैं, पीने के लिए एनकरेज किया। एब्सिंथ हेलुसिनेशन क्रिएट करता है जिसने विंसेंट के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को और बढ़ा दिया। पेरिस में रहते हुए विंसेंट कंट्री साइड, वहाँ की ब्यूटीफुल सनशाइन एंड कलर्स, ये सब मिस करने लगे। इसलिए कुछ समय बाद आल्स शिफ्ट हो गए, जो एक छोटा सा विलेज था। यहाँ उन्होंने सस्ते रेंट पर एक रूम लिया जहाँ वो मोस्टली अपना समय पेंट करते हुए बिताते थे। विंसेंट ने आल्स में अपने रूम की पेंटिंग बनाई जो उन्हें बहुत पसंद थी, फुल ऑफ कलर्स, हिज वे ऑफ सीइंग इट। वो सोचते हु केयर्स अगर उनकी पेंटिंग्स कोई नहीं खरीदता, उन्हें पेंटिंग्स बनाना अच्छा लगता है एंड दैट इज़ इनफ फॉर हिम। बट स्टिल कभी कभी कम पैसे होने की वजह से विंसेंट चीप ब्रेड खाते और डिनर में ग्रीन लिकर एब्सिंथ पीते। और जब विंसेंट के पास खाना खाने तक के लिए पैसे नहीं होते तब उन्होंने पेंट थिनर पीना एंड पेंट खाना शुरू कर दिया जिससे उनको भूख ना लगे और वो अपनी पेंटिंग्स बनाते रहें। पर ऐसा करने से उनका नर्वस सिस्टम डैमेज होना शुरू हो गया जिससे उनकी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा बिगड़ने लगी। ये सब देखकर थियो बहुत परेशान हुआ और उसने कुछ टाइम के लिए पॉल गॉगुइन को विंसेंट के साथ रहने के लिए कहा। विंसेंट एक दिन फील्ड में बैठे थे, उन्होंने ढेर सारे सनफ्लावर्स देखे जो उन्हें बहुत सुंदर लगे। विंसेंट ने तुरंत पेंट करना शुरू कर दिया और एक पेंटिंग बनाई जो फुल ऑफ सनफ्लावर्स थी। अपने दोस्त पॉल के आने की खुशी में विंसेंट ने ये पेंटिंग
उसे गिफ्ट कर दी। आज ये पेंटिंग दुनिया की ग्रेट पेंटिंग्स में से एक है, पर उस वक्त किसी ने इसकी वैल्यू नहीं समझी। कुछ वक्त साथ रहने के बाद विंसेंट और पॉल के बीच आर्ग्यूमेंट्स होने शुरू हो गए। दोनों के चीज़ों के बारे में स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ थे। पॉल का मानना था वो विंसेंट से बेटर आर्टिस्ट हैं क्योंकि उनकी पेंटिंग्स लोग खरीदते हैं। ये बात विंसेंट को अच्छी नहीं लगी। विंसेंट मानते थे हु केयर्स अगर तुम्हारी पेंटिंग्स बिकती हैं, क्योंकि वो तो पेंट अपने लिए करते थे, इससे उन्हें खुशी मिलती थी। आर्ग्यूमेंट्स और बढ़ने की वजह से पॉल वापस पेरिस जाने के लिए निकल गए। विंसेंट गुस्से में पॉल के पीछे पीछे आधे रास्ते हाथ में एक ब्लेड लेकर आए, और जब पॉल ने ये देखा तो वो शॉक रह गए। विंसेंट मेंटली डिस्टर्ब रहते ही थे, उन्हें भी ये इंसिडेंट बहुत अजीब लगा। वो वापस लौट के अपने रूम पर आ गए और गुस्से में अपना एक कान काट दिया। उन्हें बाद में ये सब बहुत रॉन्ग फील हुआ। इस सब के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अब उन्हें हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो ऐसे नहीं रह सकते। कान वाले इंसिडेंट के बाद विंसेंट को हॉस्पिटलाइज कराया गया। थियो को जब ये पता चला, वो जल्द से जल्द पेरिस से आल्स के लिए रवाना हुए और अपने भाई से मिले। विंसेंट की हालत देख थियो को बहुत दुख हुआ। वो उसके साथ ना रह पाने के लिए गिल्टी फील करने लगा। विंसेंट फिजिकली बहुत वीक हो गए थे। थियो ये सब होने से पहले पेरिस में एक लड़की जिसका नाम जोआना था, उसके साथ इंगेजमेंट कर चुके थे और ये न्यूज़ विंसेंट को देना चाहते थे। थियो ने कुछ समय विंसेंट के ठीक होने का इंतज़ार किया और फिर विंसेंट को अपनी इंगेजमेंट की न्यूज़ दी। ये खबर सुनकर विंसेंट खुश नहीं हुए। उन्हें लगा अब वो थियो का सपोर्ट खो देंगे और दोनों भाई साथ में समय बिता नहीं पाएंगे। इसी बीच विंसेंट के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की खबर पूरे विलेज में फैल गई थी। सब उसे एक खतरा मानने लगे थे। ये सब देखकर विंसेंट बहुत दुखी हुए। उन्होंने थियो को लेटर लिखा कि वो उन्हें एक असाइलम में एडमिट करा दें, और साथ ही थियो को अपनी सारी पेंटिंग्स भी भेज दी और ये कहा वो जानते थे उनकी लाइफ एज अ पेंटर कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए वो हॉस्पिटल में ही कुछ छोटा मोटा काम कर लेंगे। पर थियो ने अपने भाई पर कभी गिव अप नहीं किया। वो जानता था सिर्फ पेंट करना ही विंसेंट को खुशी देता है, इसलिए थियो ने कुछ वक्त आल्स आकर उसके साथ हॉस्पिटल में ही रहने का फ़ैसला किया। हॉस्पिटल में रहते हुए विंसेंट ने काफ़ी पिक्चर्स पेंट की, अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट भी बनाई जिसमें उनके कान पर बैंडेज लगा हुआ है। इस पिक्चर में विंसेंट बहुत सैड दिखते हैं। विंसेंट अपनी ज़िंदगी में बस थोड़ी सी खुशी चाहते थे। हॉस्पिटल में एक रात अपनी खिड़की से तारों से भरे आसमान को देखते हुए विंसेंट ने एक मास्टरपीस क्रिएट किया जिसे कहते हैं स्टारी नाइट। ये पेंटिंग आज दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव एंड फेमस पेंटिंग्स में से एक है और विंसेंट वैन गॉ का ग्रेटेस्ट वर्क मानी जाती है। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त किसी ने इस पेंटिंग को नोटिस नहीं किया। विंसेंट की हेल्थ में सुधार होने के बाद थियो वापस पेरिस आ गए। विंसेंट की पूरी ज़िंदगी थियो ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। वो अपने भाई से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसे हमेशा सपोर्ट करते रहे। फाइनली इतने साल अननोटिस रहने के बाद विंसेंट को थियो का एक लेटर मिला जिसमें उसने लिखा था कि विंसेंट की पेंटिंग्स पेरिस में होने वाले एग्जीबिशन में डिस्प्ले की जाएंगी, और बाद में ये भी पता चला कि उनकी एक पेंटिंग द रेड विनियर्ड 400 फ्रैंक्स में बिक गई है। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने विंसेंट की पेंटिंग्स के लिए पैसे दिए थे। उन्हें ये सुनकर बहुत खुशी हुई। ऐसे ही टाइम के साथ थियो ने जोआना से शादी कर ली। विंसेंट को डर था कि थियो की मैरिज दोनों भाइयों के बीच आ जाएगी, पर वो गलत थे। जोआना विंसेंट को समझती थी और उनके आर्टिस्टिक करियर को फुल सपोर्ट करती थी। कुछ समय बाद थियो एंड जोआना के एक बेबी हुआ। जब विंसेंट उसे देखने घर आए तब बेबी को अपनी एक पेंटिंग कॉल्ड द ब्लॉसमिंग आलमंड ट्री गिफ्ट में दी, विच रिप्रेजेंटेड स्प्रिंग एंड न्यू लाइफ। विंसेंट ने जब बेबी का नाम पूछा तो थियो ने बताया उन्होंने उसका नाम विंसेंट विल्हेम वैन गॉ रखा है।
ये सुनकर विंसेंट के आंसू आ गए। ही वॉज सो ओवरवेलम्ड बाय द ऑनर। टाइम के साथ थियो को लगने लगा विंसेंट अब ठीक हो जाएंगे, इसलिए विंसेंट को असाइलम से निकाल लिया और विलेज में एक डॉक्टर के यहाँ रूम रेंट पर लेकर दे दिया। उनका नाम था डॉक्टर गैशे। वो अपनी बेटी के साथ रहते थे। डॉक्टर गैशे एक बहुत बड़े आर्ट लवर थे। वो भी एक पेंटर बनना चाहते थे, पर उनके फादर उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई के लिए उन्हें भेज दिया और ऐसे ही गैशे का पेंटर बनने का सपना अधूरा रह गया। इसलिए विंसेंट को अपने यहाँ रखने के लिए डॉक्टर गैशे आसानी से मान गए, क्योंकि उन्हें विंसेंट की पेंटिंग्स बहुत पसंद थी। वो सेम वैसी पेंटिंग्स बनाना चाहते थे पर बना नहीं पाते। विंसेंट एंड डॉक्टर गैशे साथ में काफ़ी समय बिताते, आर्ट के बारे में डिस्कस करते, कभी कभी साथ लंच एंड डिनर भी करते। बट डॉक्टर गैशे को विंसेंट के मेंटल इश्यूज़ की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए एक दिन उन दोनों की किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो गई और विंसेंट ने डॉक्टर गैशे को कहा वो एक डरपोक हैं जो आज भी अपने रियल ड्रीम को फॉलो ना करते हुए झूठी ज़िंदगी जी रहे हैं। जिस पर डॉक्टर गैशे को गुस्सा आ गया और उन्होंने विंसेंट को रिप्लाई में कहा कि विंसेंट खुद आज तक अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं। आज 37 साल की एज में भी वो अपने छोटे भाई पर डिपेंड करते हैं, जिस वजह से थियो को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं बस वो बताता नहीं है। ये सब सुनकर विंसेंट को शॉक लग गया और वो अपने रूम में चले गए। नेक्स्ट डे विंसेंट को थियो का लेटर मिला, जिसमें उसने लिखा था कि उसे विंसेंट की पेंटिंग सेल करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि कोई नहीं खरीद रहा। थियो का मकसद बस उसे ये बताना ही था, बाकी उसने कुछ नहीं लिखा था कि उसे विंसेंट से कोई प्रॉब्लम है या वो उसे मंथली सपोर्ट करना बंद कर देगा। बट फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के जिक्र ने विंसेंट को बहुत परेशान कर दिया और उन्हें खुद से नफ़रत करने के लिए मजबूर कर दिया। विंसेंट को लगा वो जिन लोगों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन पर एक बोझ बने हुए हैं, वो लोग उनके बिना ज़्यादा खुश रहेंगे। विंसेंट ये सोचते हुए घर के पास के फील्ड में चले गए, जहाँ से शाम को जब वो वापस लौटे डॉक्टर गैशे ने देखा विंसेंट के गोली लगी है। विंसेंट हैवीली ब्लीड कर रहे थे, गोली उनके हार्ट से थोड़ा सा ही नीचे लगी थी। गैशे ने विंसेंट को तुरंत ऑपरेट करना शुरू किया और थियो को लेटर लिख इमीडिएटली आने के लिए कहा। थियो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचा। जब इवनिंग में थियो पहुंचा, उसने विंसेंट को बैंडेजेस में कवर्ड बेड पर लेटा हुआ पाया। वो अपने भाई के पास जाकर लेट गया और दोनों अपने बचपन की हैप्पी मेमोरीज याद करके बातें करने लगे। विंसेंट ने थियो से कहा अब मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। थियो ने डिसाइड किया विंसेंट के ठीक होते ही वो उसे अपने साथ ले जाएंगे, बट वो दिन कभी नहीं आया क्योंकि विंसेंट उसी रात अपनी नींद में चल बसे। वो बस 37 साल के थे। थियो को सदमा सा लग गया, वो डिप्रेशन में चला गया एंड फाइनली और बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से 6 महीने बाद थियो की भी मौत हो गई। दोनों भाइयों को साइड बाय साइड बरी किया गया। थियो की वाइफ जोआना के पास एक छोटे से बेबी और विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग्स के ह्यूज कलेक्शंस के अलावा कुछ नहीं बचा था। जोआना जब विंसेंट की पेंटिंग्स देख रही थी तब उनकी नज़र स्टारी नाइट पर पड़ी, जो विंसेंट ने मेंटल असाइलम की विंडो से आसमान को देखकर बनाई थी। विंसेंट ने उस पेंटिंग को एक्सप्लेन करते हुए एक लेटर अटैच किया था। ही रोट, Looking at the stars always makes me dream, as simply as I dream over the black dots representing towns and villages on a map, just as we take a train to get to Tarascon or Rouen, we take death to reach a star. We can't get to a star when we are alive, any more than we can take the train when we are dead. To die quietly of old age would be to go there on foot. जोआना ने धीरे धीरे विंसेंट की पेंटिंग्स एंड लेटर्स कलेक्ट करने शुरू किए। इसी वजह से आज हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ जानते हैं। जोआना विंसेंट की पेंटिंग्स कलेक्ट करने उस हर जगह गई जहां विंसेंट रहे थे।
काफ़ी लोग विंसेंट को पागल समझते थे, इसलिए उन्होंने उनकी पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी। बट स्टिल जोआना विंसेंट वैन गॉ के 2100 वर्क ऑफ आर्ट एंड स्केचेस कलेक्ट करने में सफल हुई, जिसमें से 860 पेंटिंग्स थी। विंसेंट की मदर एना वैन गॉ विंसेंट को मरने के बाद तक रिजेक्ट करती रहीं। उन्हें लगता रहा कि वो अपनी लाइफ में एक जॉब भी ठीक से नहीं कर पाए, पर एना वैन गॉ ये देखने के लिए ज़िंदा रही थी कि वो कितना गलत सोचती थी। ऐसे ही दुनिया ने रियलाइज़ करना शुरू किया कि विंसेंट वैन गॉ कितने जीनियस थे। जोआना की हेल्प से विंसेंट की पेंटिंग्स बिकना शुरू हुई, जिसने जोआना और उनकी फैमिली को जब तक वो ज़िंदा रहे तब तक फाइनेंशियली सपोर्ट किया। डॉक्टर गैशे की पोर्ट्रेट जो विंसेंट ने उनके घर में रहने के दौरान बनाई थी, वो 82.5 मिलियन में बिक चुकी है। आज उनकी सारी पेंटिंग्स की कीमत करोड़ों में है और विंसेंट वैन गॉ को दुनिया के महान पेंटर्स में से एक माना जाता है। अपने स्ट्रगल्स के बावजूद विंसेंट वैन गॉ ने लाइफ पैशन के साथ जी और ख़ुद को उस चीज़ के लिए डिवोट कर दिया जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। खुदकुशी करने के बावजूद आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में ज़िंदा है। इट इज़ गुड टू लव मैनी थिंग्स फॉर देयर इन लाइज द ट्रू स्ट्रेंथ एंड हूसोएवर लव्स मच परफॉर्म्स मच एंड कैन अकॉम्प्लिश मच एंड व्हाट इज़ डन इन लव इज़ डन वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।